पूरे भारत में किसी भी राज्य में किसी भी सीजन में कोई फसल क्यों ना लगी हो, खाद तो सभी फसलों में डालना पड़ता है। अब कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है, इस खाद प्रबंधन के बारे में मैं सत्यजीत सिंह JU एग्री साइंसेज के ज्ञान सागर प्रज्ञान में खाद प्रबंधन के बारे में आपसे बात करूंगा। कौन सा खाद कितनी मात्रा में, इसका सही मायनों में आकलन होता है मिट्टी की जांच कराने से, और मिट्टी की जांच कराने के बाद पता चलता है कि आपको अपनी फसल में कौन सा खाद और कितनी मात्रा में देना है। लेकिन बहुत सी जगह पे मिट्टी जांच के अभाव में किसान या तो अंदाजे से या अपने आसपास के किसानों को देख के या किसी से पता करके खाद लगातार अपने अनुभव के हिसाब से डालता है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि पिछले गत वर्षों में जो हमारे तीन मुख्य तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसमें जो नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है उसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो रहा है, हम ज्यादा डालते हैं। जबकि दूसरे फास्फोरस या पोटाश, फास्फोरस जैसे DAP या सिंगल सुपर फास्फेट से मिलता है, पोटाश जो कि MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश से मिलता है, इनका इस्तेमाल जरूरत से कम करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि कई वर्षों से यूरिया के भाव लगभग वही, लगभग 270 रुपए के आसपास हैं, जबकि फास्फोरस और पोटाश के भाव पिछले 10 वर्षों में 3 से 4 गुना तक बढ़ गए। तो कीमतों में वृद्धि होने के कारण भी किसान उसका कम इस्तेमाल हो सकता है करता हो। दूसरा, कई किसानों का यह मानना है कि हर कमजोरी का इलाज यूरिया है, तो जब भी फसल में कोई भी कमजोरी देखता है यूरिया लेके आता है और यूरिया डालता है। तो इन दो कारणों में से किसी भी कारण से जो असंतुलित खाद का प्रयोग हो रहा है उससे पैसा तो बर्बाद होता ही है, मिट्टी भी खराब होती है और साथ में आपको पैदावार भी भरपूर नहीं मिलती। तो ऐसे में जब आपकी फसल अब लग चुकी है, आपने जो खाद देना था दे चुके हैं, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये बहुत से गौर से जानने की बात है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने आप इसका जवाब दे के देखना, आप अपनी फसलों में स्प्रे क्यों करते हैं? तो ज्यादातर ने मन में यही सोचा होगा कि कीड़ा मारना है, बीमारी मारनी है, घास मारना है, तो उनको मारने के लिए आप यानी कि पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैदावार बढ़ानी है, इसलिए आप इसको रोकते हैं। लेकिन दूसरी वजह से जिससे आपकी पैदावार गिरती है, जो मैंने बताया कि असंतुलित खाद जो आपने पूरा नहीं दिया, मिट्टी की जांच नहीं कराई, इससे भी आपकी पैदावार गिरती है। तो ऐसे पैदावार ना गिरे तो एक बार फिर आपको स्प्रे के बारे में सोचना चाहिए, और स्प्रे यहाँ पे आप करेंगे फोलियर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि जो खाद स्प्रे में दिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ असंतुलित खाद या मौसम या पानी का कम होना, ज्यादा होना, इनसे भी आपकी फसल में अजैविक तनाव आता है। उस तनाव से बचने के लिए भी कई सारे उत्पाद आपको मार्केट में मिलते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में एक कम्बिनेशन, अगर आप पोटाश खाद का, जिसका आपने प्रयोग बहुत कम किया है और उसकी जरूरत दाने बनने के समय पर सबसे ज्यादा होती है, उसके साथ किसी भी अजैविक तनाव को कम करने वाला उत्पाद, इन दोनों को मिला के अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी पैदावार आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और चूंकि ये आपने एक धारणा बना ली कि स्प्रे सिर्फ पेस्टिसाइड का ही करना है, लेकिन वो धारणा को बदलिए, और उसको बदलने के लिए आप एक बार करके देखिए कि पोटाश के स्प्रे से जो फोलियर एप्लीकेशन में काम आता है और साथ में कोई भी तनाव को रोकने वाला है, जैविक तनाव को रोकने वाला उत्पाद अगर करेंगे तो पैदावार में बहुत आपका इजाफा होगा, पैदावार आपकी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, आपकी आमदन भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप JU एग्री साइंसेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको देखें, आपको अधिक जानकारियां मिलती रहेंगी जिससे आपकी पैदावार में, आपकी इनकम में फायदा मिलेगा।
धन्यवाद। JU AgriSciences, मिट्टी मुस्कुराएगी।